शहीदान अंसारी जी का। आप सभी का एक बार पुनः मंच पे मंच पे मंजाजीन है राज कच्छर, राज कच्छर जी, अनुज हेमराम जी मंच पे मंजाजीन। मंच का मैच का आनंद लेते हुए मैं इस टूर्नामेंट कमेटी के अध्यक्ष भाई भोला करमाली जी से आग्रह करूंगा कि आज के हमारे मुख्य अतिथि राज कच्छर जी को बुके देकर सम्मानित करेंगे। भोला करमाली जी आज के मुख्य अतिथि राज कच्छप जी बुके देकर सम्मानित करते हुए सब जी उन्हें बुके देकर सम्मानित करेंगे। अमित माता जी, अमित माता जी परवीन कच्छप जी को बुके देकर सम्मानित करते हुए आज के विशिष्ट अतिथि बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के इसने प्यार और आशीर्वाद के कारण ही हमारे नौजवान साथी इस तरह के टूर्नामेंट का आयोजन करने में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और आयोजन को सफल बनाते हैं।
सम्मानित अतिथि वार्ड पार्षद भाई पवन तिर्की जी मंचासीन है, रोहित कपड़दार जी उन्हें बुके देकर सम्मानित करेंगे पवन तिर्की जी को। और अनुज हेमराम जी भी मंच पे मंचासीन है, उन्हें भी बुके देकर सम्मानित करेंगे। विजय राजवार जी जो कि टूर्नामेंट कमेटी के सचिव हैं, अनुज हेमराम जी को बुके देकर सम्मानित करेंगे। हमारे बीच इस फुटबॉल टूर्नामेंट कमेटी का हौसला अफजाई के लिए मंच पे अतिथि के रूप में मंचासीन है भाई फैजान अंसारी जी, उन्हें भी बुके देकर सम्मानित करेंगे। दिनेश महतो जी फैजान अंसारी जी को बुके देकर सम्मानित करते हुए हमारे टूर्नामेंट कमेटी के अहम सदस्य दिनेश महतो जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनका भी इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और चाहूंगा कि उन्हें भी मंच पे बुके देकर सम्मानित करेंगे। संजय राणा जी, अजय नायक जी को बुके देकर सम्मानित करेंगे जो कि एक उभरता हुआ चेहरा है, ऐसे युवा साथियों को समाज की जरूरत है।
संजय राणा जी उन्हें बुके देकर सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जर्सी में चारी हुजूर की टीम, आपका मैच खेला जा रहा है और किसी भी टीम को गोल करने का अभी तक मौका नहीं मिला है और शून्य शून्य के बराबरी पर मैच चलता हुआ है। सदस्यों का पिया जी अमित बेदिया जी, कोषाध्यक्ष संजीत मुंडा जी, उप कोषाध्यक्ष रोहित, सूरज जी, वीरेंद्र जी, महेंद्र जी, नीरज जी, विवेक जी, कार्तिक जी, नरेश जी, संजय जी, विवेक जी, अर्जुन जी, सुरेंद्र जी, आशुतोष जी, विशाल जी, रमन जी, अनिल जी, हिमांशु जी और सम्राट जी का आज इन्हीं के अथक प्रयास से आज इस सिकंदरी के मैदान में इस विजय स्मृति दिवस फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन इन्होंने किया है। मैदान पर दो टीमें खेल रही है और जिस तरह से अभी तक उन्होंने खेल का अच्छे तरीके से प्रदर्शन किया है, एक खेल की भावना से खेल, हमारे जो खेल के टीमें के सदस्य हैं, उनके आज के इस खेल से सभी के अंदर एक प्रतिभा आने वाले समय में पूर्ण रूप से एक ऐसे उच्च स्थान पर पहुंचेंगे जहां से पूरा झारखंड गौरवान्वित होगा। चूंकि आज यह खेल देख के मुझे भी अपने उस समय का दिन था जब मैं भी इसी तरह फुटबॉल खेला करता था। एक कोने से हर एक छोटे बड़े गांव से प्रतिभाशाली खिलाड़ी निकलकर बाहर आते हैं। खेल जिस तरह से खेल में हमें कई तरह की हमारे जीवन में भी कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, उन समस्याओं से लड़ते झगड़ते आगे बढ़ते हैं, तो इनका कहना है कि जीवन में सभी लोग सफल रहे और सुखी रहे। धन्यवाद आज के मुख्य अतिथि महोदय को।
Gracias.